आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ CUET 2023 का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं या कौन से चैप्टर्स नहीं आने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ फर्स्ट बुक में से, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आई एम श्योर सभी स्टूडेंट्स के पास NCERT बुक तो होगी पॉलिटिकल साइंस की, तो वो आप अपनी बुक्स निकाल लो और उसके अकॉर्डिंग क्या है मार्क कर लेना कि कौन सा यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो एग्ज़ाम में आने वाला है और जो नहीं आने वाला उसको क्रॉस कर देना। तो अगर अभी आपके पास NCERT नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार आप क्या है बुक में नोट कर लेना कि कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं या सिलेबस क्या है पॉलिटिकल साइंस का। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में है वो है कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये हमारे बोर्ड्स के अंदर चैप्टर नहीं आया था तो CUET के अंदर भी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चैप्टर आपका CUET के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, तो इसे छोड़कर मत जाना। और इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स आने वाले हैं एक बार उनको भी ध्यान से सुन लो। तो पहला टॉपिक है एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा है अरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर, चैलेंजेस टू द बाइपोलैरिटी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, द क्वेस्ट फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। तो ये आपके टॉपिक है कोल्ड वॉर एरा। और CUET के लिए आप लोग इन चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हो तो वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उन्हें जरूर देख लेना। सेकेंड चैप्टर है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड द कोलैप्स ऑफ द बाइपोलैरिटी। हाँ, आपके NCERT के अंदर हो सकता है इस चैप्टर का नाम अलग हो, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि NCERT के अंदर इस चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। देखो नाम चेंज है लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक वही है, एक बार टॉपिक भी हम देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे न्यू एंटिटीज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रशिया, बाल्कन स्टेट्स एंड द सेंट्रल एशियन स्टेट, इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिज्म इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स, इंडियाज रिलेशन विद रशिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो ये आपके सेकेंड चैप्टर के टॉपिक्स है। अब आ जाते हैं हम थर्ड चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है US डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और NCERT में इस चैप्टर का नाम है US हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इस चैप्टर के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है ग्रोथ ऑफ यूनिलेटरलिज्म, अफगानिस्तान, फर्स्ट गल्फ वॉर, रिस्पॉन्स टू 9/11 एंड अटैक ऑन इराक, डोमिनेंस एंड चैलेंजेस टू द US इन इकोनमी एंड आइडियोलॉजी, इंडियाज रीनेगोसिएशन ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद द USA। तो हमारा फोर्थ चैप्टर है यहाँ पे अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। और इस फोर्थ चैप्टर का NCERT में नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो अब हम इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। तो पहला है राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर इन पोस्ट माओ एरा, क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, एशियान, इंडियाज चेंजिंग रिलेशनशिप विद चाइना। नेक्स्ट आता है हमारे पास साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। और इस फिफ्थ चैप्टर का NCERT में नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो अब इस चैप्टर के टॉपिक्स जान लेती हैं। पहला टॉपिक है डेमोक्रेटाइजेशन एंड इट्स रिवर्सल्स इन पाकिस्तान एंड नेपाल, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऑन द रीजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड एफर्ट फॉर पीस इन साउथ एशिया, इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबर्स। तो हमारा सिक्स चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। और इस सिक्स चैप्टर का NCERT में नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए फिर इसके टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारे पास रीस्ट्रक्चरिंग एंड द फ्यूचर ऑफ UN, इंडियाज पोजीशन इन द रीस्ट्रक्चर्ड UN, राइज ऑफ न्यू इंटरनेशनल एक्टर्स, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, हाउ डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल आर द न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। अब आता है हमारे पास सेवन चैप्टर, जिसका नाम है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और इस सेवन चैप्टर का NCERT में नाम है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि इसका नाम सेम ही है। तो इसके टॉपिक्स है ट्रेडिशनल कंसर्न्स ऑफ सिक्योरिटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिसआर्ममेंट, नॉन ट्रेडिशनल और ह्यूमन सोसाइटी, ग्लोबल पॉवर्टी, हेल्थ एंड एजुकेशन। एट्थ चैप्टर का नाम है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, और जिसका NCERT के अंदर नाम है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके टॉपिक्स जान लेते हैं हम। एनवायरमेंट मूवमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट नॉर्म्स, कॉन्फ्लिक्ट ओवर ट्रेडिशनल एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज,
राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, इंडिया स्टैंड इन ग्लोबल इन्वायरमेंटल डिबेट्स। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि इसकी बेस्ट बुक कौन सी है जिससे आप ये CUET के टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो, तो बेस्ट बुक आपकी NCERT ही रहेगी जो आपने प्लस टू में पढ़ी थी, तो उसे ही एक बार और रिवाइज कर लेना। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स, और इस 9th चैप्टर का NCERT में नाम सिर्फ ग्लोबलाइजेशन ही है। तो अब हम ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक्स जान लेते हैं। तो आता है हमारे पास इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशंस, डिबेट्स ऑन द नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स, इंडिया एज एन अरेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट इट। तो ये था आपकी पहली बुक का सिलेबस। अब हम बढ़ते हैं आपकी सेकेंड बुक की ओर। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और हाँ कॉमेंट जरूर कर देना कि वीडियो कैसी लग रही है। तो ये रहा आपकी सेकेंड बुक का सिलेबस जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जो आपकी NCERT के अंदर आपका सेकंड चैप्टर है। तो इस चैप्टर के हम लोग जान लेते हैं टॉपिक्स क्या है। पहला टॉपिक है फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एट द नेशनल लेवल, अनइवन डोमिनेंस एट द स्टेट लेवल, कोलिएशन नेचर ऑफ कांग्रेस, मेजर अपोजिशन पार्टीज। तो वहीं पर हमारा सेकेंड चैप्टर है नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। तो ये आपका वही फर्स्ट चैप्टर है जो आपकी NCERT के अंदर है, का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इस चैप्टर के हम लोग टॉपिक्स जान लेते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारे पास नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, लेगेसी ऑफ पार्टीशन, द चैलेंजेस ऑफ रिफ्यूजी रीसेटलमेंट, द कश्मीर प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंग्वेज। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा थर्ड चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जो कि NCERT का ही थर्ड चैप्टर है। तो इसके टॉपिक्स जान लेते हैं। टॉपिक है 5-year plans, expansion of state sector and the rise of new economic interest, famine and suspension of 5-year plans, green revolution and its political fallout. नेक्स्ट हमारा फोर्थ चैप्टर है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, और ये आपका NCERT का फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम भी यही है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। तो अब इसके टॉपिक्स जान लेते हैं। टॉपिक है नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962, इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 एंड 1971, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड शिफ्टिंग अलायंसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, जो कि आपकी NCERT का ही फिफ्थ चैप्टर है। तो टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर नेहरू, नॉन कांग्रेसिज्म एंड इलेक्टोरल अपसेट ऑफ 1967, कांग्रेस स्प्लिट एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस विक्ट्री इन 1971 इलेक्शन, पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ। अब आता है सिक्स चैप्टर जिसका नाम है क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, और ये चैप्टर आपकी NCERT का ही सिक्स चैप्टर है जिसका नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो अब हम इसके टॉपिक्स जान लेते हैं। टॉपिक है सर्च फॉर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी, नावन राम मूवमेंट इन गुजरात एंड द बिहार मूवमेंट, एमरजेंसी कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, रेजिस्टेंस टू एमरजेंसी, 1977 इलेक्शंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ द जनता पार्टी, राइज ऑफ द सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट चैप्टर जो सिलेबस के अंदर है वो रीजनल एस्पिरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो कि आपका NCERT के अंदर चैप्टर नंबर 8 है। तो चलिए जान लेते हैं इसके टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक है राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, पंजाब क्राइसिस एंड द एंटी सिख रिवोल्ट्स ऑफ 1984, द कश्मीर सिचुएशन, चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेज इन द नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, जो कि आपका NCERT के अंदर चैप्टर नंबर 7 है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। तो इसके टॉपिक्स हैं फार्मर मूवमेंट्स, वुमेन्स मूवमेंट, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट अफेक्टेड पीपल्स मूवमेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट एंड इट्स आफ्टरमैथ। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 9 डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोलिएशन पॉलिटिक्स। तो देखो ये जो आपके चैप्टर नंबर 9 और 10 है ना, ये क्या है यहाँ पे अलग अलग करके दे दिए गए हैं, लेकिन ये पार्ट जो आपका NCERT के अंदर 9 चैप्टर है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स उसी के ही हैं। तो अब हम इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक है पार्टिसिपेटरी अपसर्ज इन द 1990s, राइज ऑफ द JD एंड द BJP, द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रीजनल पार्टीज एंड कोलिएशन पॉलिटिक्स, UF एंड NDA गवर्नमेंट्स, इलेक्शन 2004 एंड UPA गवर्नमेंट। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो मैंने अपनी वीडियोज में कवर कराए हुए हैं, तो इन वीडियोज को एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है रीसेंट इशूज एंड चैलेंजेस। तो जिसके टॉपिक्स हैं
चैलेंज ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स अपोजिशन, राइज ऑफ ओबीसी इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स इन इलेक्टोरल एंड नॉन इलेक्टोरल अरिना, चैलेंजेस ऑफ कम्युनलिज्म, अयोध्या डिस्प्यूट, गुजरात रियोट्स। तो ये आपके टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये था आपका सिलेबस जो पॉलिटिकल साइंस का था सीयूईटी के लिए। और हाँ, जियोग्राफी, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स का सिलेबस भी जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।